अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त नून लीग का जो सिनेरियो है वो बहुत ही ऑब्वियस है। कॉन्स्टेंटली तनाज़ात से भरपूर स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की जानिब से, और पीडीएम में तमाम तर जो पोलिटिकल लीडर्स थे उनकी तरफ से भी हमने एक ऐसा स्टांस देखा जो कि एंटी स्टेट स्टांस था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये कौन सी फेस सेविंग है, क्या ये फेस सेविंग का तरीकाकार है जिसमें वो मजीद इंतशार की तरफ जा रहे हैं, और जहां पे ये क्लेम हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विन करेगी वहां पे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कुछ फैक्ट सामने रखना शुरू कर दिए हैं। हमने ये देखा कि कल जुल्फी बुखारी साहब ने स्कर्दू में जो बातचीत की लोगों से, वहां पे उन्होंने कुछ प्लान रखा, एक प्लान पर्टिकुलर जिसमें उन्होंने बताया कि कितने डिफरेंट जोन्स में जो है टूरिस्ट के लिए इसको टूरिज्म जोन्स में डिवाइड किया जाएगा, इसमें टी वैट स्कूल होंगे जीबी में, साथ ही साथ जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस होंगे, 18 माह के अंदर अंदर जो है काम हो जाएगा, एकोमोडेशन का के ऊपर काम होगा, और ओवरऑल बहुत सारी डिटेल प्लान्स में रखी। ये भी बताया उन्होंने कि मोबाइल टावर भी इंटरनेट के लिए वहां पर मौजूद होगा, और जो प्रोविंस है उसको प्रोविंस देने के लिए भी काम की बात हुई। वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी आज यही बात की, उन्होंने ये कहा कि जब 4 माह कबल जीबी को एक सूबे की हैसियत देने जा रहे थे तो अपोजिशन जमातों को इससे इख्तिलाफ था, और अब अपोजिशन जमातें जीबी में जाकर यही स्टांस पेश कर रही है कि जीबी को सूबा होना चाहिए। तो एक कॉन्ट्रोडिक्शन है, और एक बहुत वाजे कॉन्ट्रोडिक्शन है इस वक्त हमें जो कि दिखाई दे रही है। कुछ मजीद और भी बात करेंगे इसके ऊपर कि जो नासिर हुसैन शाह साहब हैं वो और उनके जो गिल साहब हैं शहबाज गिल, उनके दरमियान भी रिफ्ट हमने देखी। शहबाज गिल साहब ने जब ये कहा कि डिफरेंट सर्विस के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीबी की मकबूल तरीन जमात है, तो उसका रिबटल देते हुए नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा कि सर्वे के मुताबिक तो जो वफाकी हुकूमत है वो गिरने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये तो बहुत ही एक अजीब सी बात है कि सर्वे के मुताबिक आप ये प्रूव कर रहे हैं कि पीटीआई जो है वो जीतने वाली जमात है, तो उस पर ये सवालात उठते हैं जो कि ऑब्वियस सवालात उठते हैं कि क्या अगर सर्वे से प्रूव नहीं होता तो फिर कैसे प्रूव हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मकबूल तरीन जमात है तो वो ही विन करेगी, या फिर जिस तरह पहले की प्रैक्टिस हमने देखी जो जमात वफाक में होती है वही आती है जीबी में भी। यहाँ पर सिनेरियो मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है, जो क्लेम्स हैं वो तीर के हैं कि तीर ही दफा जो है चलेगा, और जो शेर है वो कहता है कि शेर धाड़ेगा, और जो बल्ला है वो कहते हैं कि बल्ला चलेगा। अब इस सिनेरियो के अंदर आखिर कौन जीतेगा ये तो देखते हैं इलेक्शंस के बाद, लेकिन एक बात और यहाँ पे वाजे होती है, वो ये होती है कि ये जो कयास राइयां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीतना है जीबी में, तो फिर क्या ये सिर्फ एक एनालिसिस है या ये सिलेक्शन की बात हो रही है? हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अख्तर अराई साहब, माहिर तालीम हैं और हमें अपने मुख्तलिफ मौजूद के ऊपर तजिया भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम अख्तर अराई साहब, जीबी इलेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। जीबी इलेक्शंस में हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट जो सर्वेज हुए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मकबूल तरीन जमात उसको करार दिया गया है, लेकिन दूसरी जानब जो कयास राइयां हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आना है, तो ये अब सिलेक्शन होगा या ये इलेक्शन होगा? देखिए, वैसे तो इलेक्शन होने जा रहा है, और आपको पता है कि सोशल मीडिया का जो विंग है इनका पीटीआई का, वो पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग है, पहले भी स्ट्रॉन्ग था। जाहिर है कि मे बी के उस पूल के अंदर जो है इस तरह का सर्वे हुआ हो, मगर ये है कि तीनों पार्टीज़ या जो भी वहाँ पार्टिसिपेंट पार्टीज़ हैं वो बड़ी जदोजहद कर रही हैं। आपको पता है कि वो इसको टेस्ट मैच समझ के खेल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है पीटीआई भी बहुत स्ट्रॉन्ग वर्किंग कर रही है वहाँ पर, और इस तरफ से 3 दिन के बाद वहाँ इलेक्शन होने वाला है और यहाँ पर पीएसएल भी होने वाला है। अब देखते हैं कि छक्का कौन मारता है, और हो सकता है छक्का मारते ही जो है बैट टूट भी जाए। बहरहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। दावे तो तीनों चारों पार्टियों के हैं जो भी वहाँ पर इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, उनके दावे तो सबके हैं, मगर दावे की कोई इतनी ज्यादा वो जो कहते हैं ना बैक स्ट्रॉन्ग नहीं है। किसके दावों की, किसकी? देखिए, तीर वाले तो कह रहे हैं तीर चलेगा, नहीं सिर्फ वो ये कह नहीं रहे, लेकिन जो कयास राइयां हो रही है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हो रही है कि इन्होंने विन करना है, और अगर उन्होंने विन करना है तो माजी में तो प्रैक्टिस ये हमने देखी है कि जो वफाक की पार्टी होती है वही जीबी में आती है। इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वफाक की पार्टी तो पीटीआई है, और फिर जो ये कयास राइयां हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आना है, तो क्या ये सिलेक्शन की वजह है? सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? बात नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है कि सिलेक्शन हो चुका है, सिलेक्शन कहना गैर मुनासिब होगा। अब आपने देखा होगा, मैं थोड़ी एक एग्जांपल देता हुआ चलूं,
अभी जो नवाज ग्रुप है उन्होंने एक थोड़ा सा स्टाइल आज चेंज किया है, जैसे कि देखा कि अफवाज पाकिस्तान के बारे में उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। अब ये बुकलाहट का शिकार हैं, ये क्या कर रहे हैं? फिलहाल तीर जो है पीपल्स पार्टी जो है वो बुकलाहट का शिकार नहीं है, वो अपना उसमें है, मगर ये है कि मुझे लग रहा है कि बिलावल साहब भी जो है वो इस वक्त उनको भी महसूस हो चुका है कि बड़ा टफ कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, गैलप सर्वे और जो डिफरेंट सर्वेज हैं उनके मुताबिक हमने ये देखा कि पीटीआई जो है वो मकबूल तरीन जमात है, तो फिर इस सिचुएशन में फिर पीपल्स पार्टी का कैसे क्लेम हो सकता है कि वो जीतने जा रही हैं? और अगर वो नहीं जीती तो धांधली, क्योंकि आज एक बार फिर यही स्टांस वाजे हो गया। नासिर हुसैन शाह साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि शहबाज गिल साहब ये कैसे कह सकते हैं सर्वे के मुताबिक कि उन्होंने जीतना है, तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने जीतना है? ये तो सवाल फिर पीपल्स पार्टी के लिए भी बनता है ना। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये देखें क्या साराइयाँ हैं, ये अपनी अपनी देखें, विन करने से पहले ही विक्ट्री शो करना हर किसी का हक होता है और करते भी हैं, साइकोलॉजिकल तरीकेकार होता है, मगर मैंने आपको कहा ये टफ होगा और इलेक्शन होगा, इसमें सिलेक्शन की कोई बात नहीं है, कबल इस वक्त ऐसे हमें बात नहीं करनी चाहिए। लेट्स सी के इलेक्शन, हाँ ये हो सकता है कि लास्ट डे में सीन ज़रा क्लियर हो जाए, पता चल जाए कि क्या होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मोहतरमा मरियम साहिबा जो है उनकी स्टेटमेंट आज की आप देख लें कि वो क्या बातें कर रही हैं, इसी तरह से मे बी के लास्ट डेज के अंदर क्या बात की जाए, ताकि ईजी हो कल को ब्लेम करना कि ये तो पहले से ये था और ये था ये था, ठीक है, और ऑलरेडी जो है इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हो चुका है, तो कल को ये ब्लेम गेम करना चाहते हैं और चाहेंगे। ठीक है, नासिर हुसैन शाह साहब ने एक और बात कही, वो ये कहते हैं कि हम पीटीआई को धांधली नहीं करने देंगे, नंबर वन। नंबर टू, आर्मी ने अपने आप को बिल्कुल बैक ऑफ कर लिया इलेक्शन से, वो कहते हैं जीबी की पुलिस जो है वो ही सुपरवाइज करेगी। नंबर थ्री, जब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धांधली नहीं करने देंगे और हम ही जीतेंगे, तो इनके अगर पीपल्स पार्टी हारती है तो क्या पीटीआई धांधली करके जीतेगी? ये तो देखें, फिर वही मैं बात कह रहा हूँ कि इनके बयानात के पीछे अगर हम जाते हैं उस पर तजिया करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि फिर बात कहीं से कहीं चली जाएगी। ठीक है, हर वक्त हर सियासी पार्टी का जब अपना वक्त होता है तो उनको वो याद नहीं होता, जब वो अपोजिशन में आ जाती है तो फिर वो ब्लेम्स भी करती है, इस तरह की स्टेटमेंट्स भी देती है, ये एक इस प्रोसेस का हिस्सा है, हमेशा के लिए रहा है। बाकी जो आपने एक बात कही थी कि जो वफाक में होती है पार्टी उसके ज़्यादा कवि इम्कान होते हैं, इसमें बिल्कुल सच्ची बात है और हकीकत भी है, क्योंकि उनको बेनिफिट चाहिए होते हैं, और आप देख लेंगे अगर वफाक में ये नहीं है इस वक्त पीपल्स पार्टी तो क्विक जो है विद इन अ टू या थ्री ईयर जो है उनको जो भी वादे किए जा रहे हैं पीटीआई की तरफ से उनकी उम्मीद भी है, वहाँ पर पैसा भी खर्च किया जा रहा है और पैसा खर्च करने के दावे भी किए जा रहे हैं कि हम ये कर देंगे ये कर देंगे ये कर देंगे, तो इस वजह से ये है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है मे बी के कुछ नंबर ऑफ वोट ज़्यादा ले जाए पीटीआई, यानी कि वहाँ पर नंबर ऑफ वोट ज़्यादा ले जाए, मगर ये कबल अज़ वक्त है। मैं ये कहूंगा कि एक दिन पहले सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, सिर्फ दो दिन और रुक जाइए, आप देखिएगा कि दूसरी पार्टीज जो है वो अपने बयानिए में क्या क्या तब्दीली लेकर आती है, इसको बड़ा क्लोजली आप वॉच करें। ठीक है, यानी आप ही कहते हैं जितनी भी कयास सराई हैं वो अब तक सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखते हैं, स्टे विद अस इन साइदी न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात करते जीबी इलेक्शंस के ऊपर, और इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है नवीद एंथनी, एमपी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नवीद एंथनी साहब, हम जीबी इलेक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं इस वक्त, और ओवरऑल हमने कुछ इसमें डिस्कशन ये किया कि सर्विस के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मकबूल तरीन जमात करार दे दी गई है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कयास अदाइयां हो रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विन करने वाली है इलेक्शंस, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये बनता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आखिर कैसे कयास अदाइयां हो रही है, जबकि माजी में हमने जब देखा कि जो जमात वफाक में होती है वही जीबी में आया करती है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिलेक्शन हो चुका है इस बार? देखिए जी, जो जमात वफाक में होती है वो अगर किसी बाय इलेक्शन में या किसी सूबों की जमात में आए तो फिर आप उसको धांधली क्यों नहीं कहती? आप ये भी तो बोले ना कि वो तो फिर अपने वसाइल इस्तेमाल करते हैं, कभी गंदम के ट्रक भेज दिए, कभी क्या भेज दिया, कभी कोई वजीर आजम साहब इफ्तिताह करने चले गए, गुजरा की फौज जफर मौज उस इलेक्शन में आए, तो जाहिर है फिर जो गैलप का सर्वे हुआ है तो फिर वो तो ठीक है, वजीरों की फौज वहां पे बैठी हुई है, वजीर आजम खुद बैठे हुए हैं, तो उस इस पर क्यों नहीं बात की जाती कि मतलब ये तो ऑलरेडी जो प्री रिगिंग तो हो चुकी हुई है वहां पर,
अगर गैलप का सर्वे पे बेस करके बात करनी है तो गैलप ने और भी बहुत सारे सर्वे किए हुए हैं, बहुत सारी रिपोर्ट हैं, इस 2 साल कारकर्दगी में भी बहुत सारे गैलप के सर्वे आए थे, वहां तो सर्वे मानने को तैयार ही नहीं होता, वहां उस जो सर्वे वाली जो एजेंसी होती है, अथॉरिटी होती है, उसको क्रिटिसाइज कर देते हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पर लोगों के उमंगों की तर्जमान बन रही है, लोगों के मसाइल के लिए एक उम्मीद की किरण बन रही है, तो वहां पर वो क्या कराइयां शुरू हो गई हैं। ठीक है सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है एक प्लान दिया है, उस प्लान में जुल्फी बुखारी साहब ने स्कर्दू में बात की, उन्होंने बताया कि 10 टूरिज्म जोन्स पर मुश्तमिल होगा जीबी अगर वो विन करते हैं, 11 होटल्स होंगे, इंटरनेट के लिए मोबाइल टावर्स होंगे, टीवेट इंस्टीट्यूट होंगे, एक म्यूजियम होगा जिसमें जो जीबी के लोग हैं उनकी कारकर्दगी, जो उन्होंने काविशें माजी में उनकी गुजरी है, वो 3 डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा। ये तमाम तर उनका एक मफरूजा था जिसके ऊपर उन्होंने बात की और कहा कि ये हम प्रेजेंट करेंगे, 18 माह की डेडलाइन होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसा प्लान पेश किया है जीबी के आवाम के लिए, अगर वो जीते हैं तो वो क्या देंगे आवाम को? मतलब आपने तो खुद ही अपने सवाल में बड़ा अच्छा जवाब दे दिया कि ये मफरूजा है ना। अब मफरूजों की बुनियाद पर अगर लोग वोट देने लग जाए तो जिस तरीके से 2 साल पहले इस मुल्क ने तब्दीली के मफरूजे पे ये वोट दिए थे और 100 दिन का जो प्लान दिया था वो जब 100 दिन हुए तो फिर करने की हमें तो टाइम चाहिए, फिर वो साल गुजर गया फिर नहीं हमें टाइम चाहिए, 2 साल गुजर गए हमें टाइम चाहिए, ये जो करोड़ों घर लाखों नौकरियां, ये रोजगार, ये इत्तेहाब इंसाफ और जो है वो चोर जो है वो दाएं बाएं घूमते रहे, माफिया दाएं बाएं घूमती रही, तो ये तो मफरूजों वाली पॉलिटिकल पार्टी है। उसमें लोग तो वहां के लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े बाशऊर हैं, वो जानते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या बैकग्राउंड रहा है और कौन सी ऐसी जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स है जो आज ऐवानों में बैठी हुई है, वो तो अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट कभी भी खत्म हो सकता है। ठीक है, लेकिन एंथनी कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई प्लान है इस वक्त जो कि आप एग्जीक्यूट करवाना चाहेंगे जीबी में? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से जो प्यार मोहब्बत जो एक उनसियत का रिश्ता है वो आज कर रही है, वो भुट्टो साहब के जमाने से वहां पे लोगों की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काम किए, फिर शहीद बीबी ने किया, फिर उसके बाद जब जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी गलानी साहब से तो वहां पर बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हुए हैं। अब जाहिर है हमारी वफाक में गवर्नमेंट जब आएगी और खुदा करेगा इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है, तो गिलगित बल्तिस्तान की जो तरक्की है वो वहां के लोग जानते हैं कि वो पॉलिटिकल फोर्सेज ही ला सकती हैं। ठीक है एंथनी, इस तमाम तर सिनेरियो में एक 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 और बात जो कि डिस्कस हो रही है वो ये है कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी खुद कहा कि 4 माह कबल जब जीबी को उन्होंने सूबे की बात की उस हवाले से तो अपोजिशन जमातों ने उनके अगेंस्ट इस पर बात की। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद कहती है कि ऑटोनॉमी से बल्कि हटा के जीबी को एक सूबे की सूरत में लेकर आना चाहिए। देखिए, जो उनको ऑटोनोमस जो बॉडी थी या जो उनका बात जो बनाया गया था वो स्टेटस लोग जानते हैं, और जहां तक वजीर आजम पाकिस्तान की बात है तो उन्होंने जो जहांगीर तरीन साहब के जहाज में जिन लोगों ने यात्रा की थी इस्लामाबाद की और जो कमिटमेंट्स हुई थी उनके साथ भी एक सूबे की बात हुई थी और चंद दिनों और हफ्तों में एक सूबे की बात की थी, वो लोगों को आज भी कमिटमेंट याद है, वो सारे जो सीन थे वो सारी मीटिंग थी वो आज भी याद है, और फिर उसके बाद जिन लोगों ने उस वादे पे वोट दिया था कि जनूबी पंजाब का सूबा बन जाएगा वो बेचारे आज भी जो है ना वो दुहाइयां दे रहे हैं, रो रहे हैं, अपने वोटर्स को बेचारे जो है वो शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है, तो वजीर आजम साहब के वादों का हम क्या कर सकते हैं? तो फिर जब हम कुछ नहीं कर सकते तो फिर पाकिस्तान के लोग उनके वादों पर कैसे यकीन कर रहे हैं? एक सूबे की ठीक है एंथनी, जरा इसको एक्सप्लेन कर दें कि जो अब आप लोग भी वही बात कर रहे हैं जो वजीर आजम साहब ने की थी सूबे के हवाले से, अब इसमें आप लोगों को क्यों लगता है कि इसके ऊपर काम होना चाहिए जब आप लोगों ने पहले कॉन्ट्री इसके स्टेटमेंट्स दिए? नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है, हम तो शुरू दिन से पाकिस्तान के लोगों की उस आईनी हैसियत को तस्लीम किया था, इसीलिए ये पहले वाला जो अरेंजमेंट हुआ था और आज भी हम मतलब चाहते हैं कि उनको सूबे का जो आईनी हक है वो दिया जाए।
ठीक है, मैं आपसे यहीं से मजीद कंटिन्यू करूंगी। यहाँ पे मुझे अख्तर रानी साहब का भी स्टांस लेना है। अख्तर रानी साहब, जल से जुलूस रैलीज देख रहे हैं आप, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने जलसों में बिजी हैं, जीबी में स्पेसिफिकली, और तमाम तरह जो भी इनकी एक्टिविटीज है वो कंटिन्यूड है, लेकिन स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो है बैक टू बैक बंद करने की बात, पहले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की और फिर उसके बाद जो है बाकी जो पब्लिक गैदरिंग्स है उसको भी रोकने की बात हो रही है, तो COVID-19 क्या वहां पर नहीं फैलेगा? ये जितने भी जो रैलीज हो रही हैं या इलेक्शन की कैंपेन्स हो रही हैं, जो इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तक उसको महदूद कर दिया गया या पब्लिक गैदरिंग्स तक? देखिए, ये दुगलापन और इस तरह के दोहरा निज़ाम तो हमारे मुल्क में पहले ही है कि दो तरह के कवानीन होते हैं और जिसकी लाठी उसका उसकी भैंस, कवानीन मौजूद होते हैं उनमें अभाम मौजूद होता है कि जो ताकतवर होता है उसके लिए वो कानून एक्टिव हो जाता है, दूसरे के लिए वीक हो जाता है। ये मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि एक तरफ तो जो है वो COVID-19 को वजह बनाया जा रहा है कि जो 17 साल से छोटे बच्चे होते हैं, जो ज़्यादातर हाई स्कूल या स्कूल सेकेंडरी स्कूल में होते हैं, जो कि UNO की स्टेटमेंट के मुताबिक 36 लाख में से सिर्फ एक बच्चा जो है अफेक्टिव हो सकता है। अब वहाँ पर एडल्ट जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं, वो सियासी एक्टिविटीज़ हों, डिफरेंट इज्तमात हों, वहाँ पर गवर्नमेंट को ख़ुद नज़र नहीं आता, इवन जो वफाकी हुकूमत है उसको भी नज़र नहीं आता, सूबाई हुकूमत उनको नज़र नहीं आता, और वैसे वो एक ही बच्चे के मरने की बात करते हैं कि अगर एक भी बच्चा जो है उसकी सेहत के साथ या उसकी डेथ के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो आप बताइए ना कि कितने स्कूल्स के अंदर और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर इतने अच्छे तरीके से SOPs फॉलो किए जा रहे हैं, और जितने के मेरा ख्याल है और किसी डिपार्टमेंट में नहीं हुए। आप वहाँ बताइए कि कितने बच्चे पॉजिटिव आए हैं, ठीक है, और वहाँ पर आप पूरे पाकिस्तान से लोग बुलाए हैं आपने अपनी स्ट्रेंथ शो करने के लिए, चाहे वो हमारी पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो हमारी PMLN हो, PTI. या कोई भी जो भी सियासी पार्टी PTI हो, तमाम लोग स्ट्रेंथ शो करने के लिए दूसरे सूबों से अपनी ऑडियंस लेकर गए हुए हैं। अब वहाँ पर मसल पावर शो करते करते जो क्राउड है, उस क्राउड में ये तोहफा कोरोना का लेकर या अपने अपने घरों को जब लौटेंगे इलेक्शन के बाद, तो ये COVID-19 का वहाँ से कोरोना का वायरस लेकर आएंगे बतौर तोहफा, और फिर इल्ज़ाम किस पे लगेगा? स्कूल पे लगेगा कि स्कूल के अंदर छुपा बैठा था ये वायरस और वो बच्चे जो है कैरी करके वहाँ लेकर आए थे। ठंडे इलाकों में इसकी फैक्ट्री होती है, ठंडे इलाकों में ये परवान चढ़ता है वायरस, ये रिसर्च ने साबित किया है। आप ठंडे इलाकों में जाके वहाँ पर आप ये कंपेन कर रहे हैं, वहाँ जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, SOP नाम की चीज़ नहीं है, और डंडा जो आपने उठाया हुआ है प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ उठाया हुआ है। ठीक है, किस सूबे को आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एक तरफ तो वो फोकस कर रहा है कि दोबारा से जो है लॉकडाउन की तरफ जाएँ, स्मार्ट लॉकडाउन, ना कम्प्लीटली लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन की बात ना हो, सिर्फ कम्प्लीट लॉकडाउन की बात हो, कौन सा ऐसा सूबा है जो ज़्यादा फोकस कर रहा है? देखिए डिफरेंट है और फिर खुद वॉयलेशन भी कर रहा है अपनी। ये तो मैंने कहा कि देखिए तमाम सूबों की जो सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो PTI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो जो इख्तदार में नहीं भी है, हिजबे इख्तलाफ भी है, वो भी जो है वायलेंस कर रहे हैं। NCOC ने ये वाजिया बात भी की है और रिसेंटली उन्होंने कहा भी है इस तरह के जलसों में पाबंदी होनी चाहिए, मगर मसला ये है कि सख्ती सिर्फ स्कूल्स पे क्यों? दूसरी बात ये है कि अब जो है ये खैर एक पॉजिटिव बात है कि दुनिया भर का ये ट्रेंड ये जा रहा है स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ। इवन मैं इंग्लैंड की एग्जांपल दे रहा था पिछले दिनों में कि वहाँ पर भी एक डिबेट चल रही है, वहाँ स्कूल्स को लास्ट एक इदारे रखा गया है कि स्कूल्स को हम लास्ट में बंद करेंगे, वहाँ कोशिश की जा रही है कि जितना बेहतर है चाहे एक दिन के लिए बच्चे को बुलाया जाए मगर ज़रूर बुलाया जाए, मगर ठीक है वो उस डिबेट में नहीं पढ़ते, हम अपने मुल्क की बात करते हैं। यहाँ भी वफाकी हुकूमत ये कह रही है, मैं अपना जो पंजाब के CM साहब थे उनका बयान भी सुन रहा था, वो भी इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं, तमाम लोग सिंध के जो हमारे तालीम के मिनिस्टर हैं वो भी इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं, मगर ये है कि जो कुछ होगा ये 3 दिन इलेक्शन के बाद होगा, जैसे ये गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन होगा, जब ये लोग वापस आएंगे, जब ये फारग होंगे, फिर आके देखेगा तो फिर ये यानी पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा देखा जा रहा है या फिर लोगों के बजाय, क्या समझते हैं आप? ये तो है, ये तो आपको पता ही, ये चीज प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, इसकी एविडेंस की जरूरत ही नहीं है, आप समझ रही है। नवीद एंथनी साहब से जानती हूं, मगर स्मार्ट लॉकडाउन ठीक है, उसके लिए हम आपके साथ तावुन कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ तावुन कर रहे हैं कि जहां जिस स्कूल में भी आपको कोरोना की कोई भी एक एविडेंस मिलती है आप उसको बंद करें, जैसे कि पंजाब में भी ऐसा हुआ, डिफरेंट जगहों पे वो हुआ, जैसे सिंध में भी किया हमारे तालीम के मिनिस्टर सईद गनी साहब ने ऐसा किया, अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में पाया गया और वहाँ पर उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल को लेटर दिया कि जी आप बंद कर दें,
या इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पे ऐसा हुआ, ये अच्छी बात है, मगर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के पीछे नहीं भागना चाहिए, उनको पीछे सख्ती नहीं करनी चाहिए, बेबुनियाद बात है। हाँ, अर्ली जो वेकेशंस की जो बात है वो मुमकिन लग रही है कि अर्ली विंटर वेकेशन शायद कर दें, मगर ये खुद ही जो है उस वायरस को एक सर्द इलाकों के अंदर जो है वो कर रहे हैं और उसके बाद लेकर आएंगे और फिर सर्दी में बंद कर देंगे। नवीद अंतरी साहब, अख्तर रानी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, माहिर तालीम है, वो ये कहते हैं कि ये COVID-19 कोरोना वायरस जो है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस को स्कूल्स में या फिर इंस्टीट्यूशंस में दिखाई देता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में या फिर कोई स्मॉल पब्लिक गैदरिंग्स में दिखाई देता है, जब अपने जलसे जुलूस होते हैं पोलिटिकल पार्टीज के चाहे वो कोई भी हो तो उनको उसमें नहीं दिखाई देता। देखिए, बात यह है कि ये एक इलेक्शन ड्यू थे पाकिस्तान के, और उसमें जाहिर है जो हर तुल इम्कान कोशिश की जा रही है कि जी जो भी पार्टिसिपेट हैं वो SOPs का ख्याल रखें, मास्क पहने और एक डिस्टेंस के साथ हो। जाहिर है कहीं ना कहीं हो सकता है वायलेशन हो, लेकिन इसमें कोई आइडियल सिचुएशन तो नहीं आ सकती। तो वो ड्यू था, और अगर उस टाइम पे ना होता तो फिर कोई वेलिफाइड इंटेंशन भी नजर आ रही थी, तो इस पे वो इलेक्शन हो रहा है जैसे अमेरिका में भी हुआ, जो ड्यू टाइम था उसमें इलेक्शन हुआ। तो अब इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि जी आप जो है वो छोटी गैदरिंग या बड़ी गैदरिंग, जहां मैक्सिमम होता है वहां पर वो अरेंजमेंट करने चाहिए ताकि इससे बचा जा सके। लेकिन लेकिन नवीद एंथनी साहब, फॉर इंस्टेंस जीबी इलेक्शंस ओवर हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं मामला, तो उसके बाद क्या सिंध गवर्नमेंट फोर्स करेगी कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएं, और फिगर्स या स्टैट्स भी अगर इतने ज्यादा ना हो तो फिर दोबारा से क्या इस स्टांस के ऊपर फोकस किया जाएगा कि लॉकडाउन हो, क्योंकि अब भी तो लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन नहीं है। देखिए अलविना, कुछ सिंध के लोग उठ के जीबी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए तो नहीं गए हुए ना, या कंपेन के लिए तो नहीं गए हुए ना, ये तो वफाकी गुजर रहे हैं या वजीर आजम गए हुए हैं, यहाँ सिंध के लोग तो नहीं गए हुए। अगर बिलावल साहब गए नहीं, एंथनी साहब आप मेरा सवाल आपने नहीं समझा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जब इलेक्शन हो जाते हैं तमाम पोलिटिकल पार्टीज फ्री हो जाएंगी, जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज है, उसके बाद फॉर इंस्टेंस जब आ जाते हैं वापस पीपल्स पार्टी की लीडरशिप सूबे में, तो क्या उसके बाद, क्योंकि ऑब्वियसली कोई रैलीज नहीं होंगी, कोई भी इस तरह कोई पॉलिटिकल गैदरिंग्स नहीं होंगी, तो क्या उस वक्त सिंध के लिए पीपल्स पार्टी ये प्रपोज करेगी कि लॉकडाउन लगाया जाए? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट ने इस मुल्क में सबसे पहले स्टैंड लिया था, और जो उनके उस वक्त जो इंटेंशन थी, जो इकदाम थे, वो अपने लोगों को बचाने के लिए सबसे मुनफरद थे और सबसे पहले थे। जहां तक बात है एक नई वेव की, जो पाकिस्तान में एकदम से वो बिटिया हाई कोर्ट को दी गई है, तो देखिए उसकी भी टाइमिंग आप नोट कर लीजिए कि वो कब से एकदम उस पर जो है ना वो हाई पा गई। अब अगर पिछले एक दो रोज से ये आ रहा है, उससे पहले अगर आप देखें तो यही हमारी गवर्नमेंट थी, वफाकी गवर्नमेंट, जिसने ऐलान किया था कि जी हम जो है वो जवाबी जो है वो जलसे करेंगे, गैदरिंग्स करेंगे, मीटिंग्स करेंगे। अब जब पब्लिक की तरफ से उनको वो उस तरीके का रिस्पांस नहीं मिला, और PDM के जलसों के ये इतनी कामयाबी के साथ और इस तरीके से अब गवर्नमेंट जो डिफीट हो रही है या बैकफुट पे जा रही है, तो मीडिया में पूरी एक कंपेन चलाई जा रही है कि जी पता नहीं क्या पाकिस्तान में कितनी बड़ी वेव आ गई है। हम तो देखें फिर भी, हम चाहे वो माइनर वेव हो चाहे बहुत स्ट्रॉन्ग वेव हो, हम तो अपने लोगों को बचाने के लिए जो भी इकदाम होंगे हम उसकी माजी में भी सपोर्ट करते रहे हैं और आज भी सपोर्ट कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे, इसलिए कि हमें पता है कि कोरोना काटता नहीं है, कोरोना से बचना पड़ता है और उसके पूरी एक SOPs है, उस पर अमल करना पड़ेगा। ठीक है नवीद एंथनी साहब, इमरान खान साहब के इर्द गिर्द क्या आवाम की जेबों पर डाका डालने वाले मौजूद हैं? सॉरी, क्या कह रही है? क्या इमरान खान साहब के आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आवाम की जेबों पर डाका डाल रहे हैं? ये तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, इसके जवाब देने की क्या जरूरत है आपको? उनको नहीं पता जहांगीर तरीन कौन है, खुसरो बख्तियार कौन है, जुल्फी बुखारी कौन है, परवेज खटा कौन है, सबको पता है, ये तो कोई नई बात ही नहीं है आपने जो मुझसे पूछी। अच्छा ठीक है, क्या वजीर अजम इमरान खान साहब की काबीना जो है वो उनको तकलीफ में लेके जाने के लिए जो है अपने स्टांस ले रही है, जो भी वो कोई ना कोई इकदाम उठा रहे हैं, क्या वजीर अजम इमरान खान साहब को तकलीफ में ले जाएगा वो स्टेप?
बड़ी अनफॉर्चुनेट है पीटीआई के लिए कि उन्होंने अपनी आज तक कैबिनेट तो बनाई नहीं है, उनको तो कैबिनेट दी गई है और ये तो मुशर्रफ साहब के दौर की कैबिनेट है। अगर क्या ही अच्छा होता कि पीटीआई अपनी कैबिनेट बनाती तो शायद हो सकता है कुछ वो रिजल्ट भी दे सकते, उनको तो मजबूर किया इसलिए कि वो पता नहीं किस कमिटमेंट के साथ आए। मैं बताएं कौन सा पीटीआई वाला कौन सा वजीर है जिन्होंने 22 साल जदोजहद की हुई है, ये तो सारे वो लोग हैं जो पिछले कई सालों से जो है वो गवर्नमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज को एंजॉय कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो इनको दिए गए हैं। ठीक है, पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव जो है ट्रैफिक जाम में अनफॉर्चुनेटली भी स्टक, तो उनसे हम इस पर रिबटल लेते। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद एंथनी साहब, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। जी अख्तर इराई साहब, इसका रिबटल क्या देंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का? वो ये कह रहे हैं कि मैं आपसे इसका जवाब जरूर लूंगी एक छोटे से वक्फे के बाद, कि वो कह रहे हैं कि सेकेंड वेव की जो एक लहर है वो एक बनाई जा रही है, वो इसलिए ताकि पीडीएम के जल से जुलूस ना हो, अदरवाइज नहीं है अपेरेंटली, इनडायरेक्टली तो यही कहा नवीद एंथनी साहब ने। आप इस पर क्या कहेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक? स्टे विद अस इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से स्टांस आया कि सेकेंड वेव बनाने की एक अपेरेंटली कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से, ताकि पीडीएम के जलसे जुलूस और रैलीज जो हैं वो डिस्टरप्ट हो सकें। लेकिन अगर यही स्टांस अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आया है तो फिर आखिर क्यों फोकस किया जा रहा है लॉकडाउन के ऊपर? और अगर वाकई लॉकडाउन होना चाहिए और कोविड-19 स्प्रेड हो रहा है तो फिर जीबी में इलेक्शन की कैंपेन्स क्यों कर रही है तमाम पोलिटिकल पार्टीज, इसके ऊपर मुझे एक वन लाइनर दे दीजिए। ये बिल्कुल देखें वही बात है कि पीटीआई को ये कहा जा रहा है कि मे बी के वो बना रही है ये लहर बना रही है, या ये है कि कोई दूसरी पार्टी इसको प्रमोट कर रही है। बात ये है कि आवाम देखें क्यों नहीं। अब देखिए, आपने अगर वफाकी हुकूमत ने 100 रुपीज़ का फाइन लगाया मास्क पहने पे, या कराची के अंदर कराची में 500 का पहले 1000 की अनाउंसमेंट थी, बहरहाल 500 की अनाउंसमेंट हुई, तजावीज तो थी, ठीक है फोर्स करना चाहिए, हम इसके साथ हैं, क्योंकि पब्लिक भी जो है वो बैड लक है कि पब्लिक अपनी हिफाजत खुद नहीं कर रही, इसके लिए हम भी नाला हैं, स्कूल कम्युनिटी भी नाला है, क्योंकि स्कूल के अंदर तो एसओपीज है बाहर नहीं है। मैं ये कहना ये चाह रहा था कि लहर बनाई जाए या जो भी है, मगर कम से कम एक मास्क पहन लेने से, जो कि हमने तजवीज़ पहले से दी हुई थी कि गवर्नमेंट 100 रुपीज़ लेकर उसको 3-4 मास्क दे दे, उसी वक्त वो बाइकर को पूरी फैमिली है उसको मास्क पहना दिए जाए, तो इस तरह से कम अज़ कम ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। मगर आप देखें उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारी आवाम भी ऐसी, हुक्मरान भी ऐसे, इनको अभी समझ में आ गया है कि शायद ये फेक होता है। मैं आपके उसी सवाल के जवाब की तरफ आ रहा हूँ कि ये सारी जो लहर है फेक है, या तो ठीक है क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं आए। अभी आपने देखा आज मैं पंजाब के मिनिस्टर का एक बात सुन रहा था बयान, कि उन्होंने कहा कि 60,000 टेस्ट हम कर रहे हैं, 60,000-70,000 उसमें से 200 मुश्किल से पॉजिटिव आ रहे हैं, या 150 पॉजिटिव आ रहा है, या 300 पॉजिटिव आ रहे हैं। इससे ये परसेंटेज अगर आप निकालेंगे, क्योंकि उसमें आता है कि 0.5%, अगर 300 आते हैं 60,000 पे, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, ये यानी कि 0.5%, इसका मतलब 1% भी पॉजिटिव नहीं है। इसका मकसद है कि कोविड-19 उस तरह है नहीं जैसे समझा जाता है, मगर होता क्या है कि हम परसेंटेज नहीं बताते, हम ये बताते नंबर ऑफ केसेस बता नंबर बता बता के हम अपनी गेम खेलते हैं। हुक्मरान क्या करते हैं, मैं यही हिसाब से कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मेरा जवाब जो है, मेरा सवाल का जवाब मुकम्मल आपका नहीं हुआ, लेकिन उज़ैफा से मुझे यहाँ पे जाना है कि उज़ैफा क्या बताएंगे इसके ऊपर। उज़ैफा खान एडवोकेट रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद, उनको फॉर्मली वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़ैफा, इस वक्त हम जीबी इलेक्शंस के ऊपर बात कर रहे थे, जीबी इलेक्शंस के ऊपर आप क्या ओवरव्यू देंगे? नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं कि शहबाज गिल के रिबाटल में आप लोग जो है सर्वे को उठा के और ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि पीटीआई विन करेगी, लेकिन माजी में भी तो वफाकी ही जमात आगे आई है, तो फिर अभी इतना स्ट्रॉन्ग क्लेम कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है कि इस दफा तीर नहीं चलना है? दरअसल सारी बात यह है अलवीना के देखें, ये जमहूरी हिस्सा है, हर पार्टी चाहती है कि वो अपना क्लेम करे कि हम जीत रहे हैं, ये मॉरलाइज किया जाता है इसलिए कि हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, और ये हर पार्टी करती है। नासिर हुसैन शाह भी देख लेंगे, पीटीआई भी हम भी आई हैं, मुस्लिम लीग भी आई हैं, भुट्टो साहब भी आई हैं, पता चल जाएगा 15 तारीख इलेक्शन है, पता लग जाएगा कि कौन आगे कौन आगे नहीं है। रही बात ये जो इनका ड्रामा चला हुआ है करप्शन अबू बचाओ मुहिम भी चली हुई है,
इसके अंदर और कोई ड्रामा नहीं है। सिर्फ कहते हैं हमारी चोरी रोको, हमें कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल अपने ये प्रोग्राम करते रहे, जलसे चलते रहे, लेकिन एहतियात बेहतर है। कुछ भी है, अगर आप बोले कि ये भी पाकिस्तान के इमरान खान ने पेंडेमिक लेकर आया है तो इनके ऊपर कोई बैठ नहीं है, बोल भी देंगे। तो ये लॉजिकल चीज है, अगर पाकिस्तान की आवाम हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है, अगर उसे ज्यादा अफेक्ट नहीं हो रहे तो ये चाहते हैं कि हो फिर से बिजनेस बंद हो, फिर से सारे स्कूल बंद हो, तो इस सिलसिले को चलना चाहिए और जो एहतियातें हमें करनी चाहिए। हम परसेंटेज पे नहीं जाते हैं, हमारे मुल्क का एक बंदा भी कोविड से मुतासर नहीं होना चाहिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। प्रिकॉशन लिए जाएंगे और ये सारे मामले चलेंगे। रही बात गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की, ठीक है, लेकिन ये क्या ये दोगलापन नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज का? ये वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी यही बात कही कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कोविड 19 दिखाई देता है और स्मॉल पब्लिक गैदरिंग्स में भी दिखाई देता है, लेकिन ये जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज हो रही है, ये क्या है फिर? वहां पे फिर क्यों कोविड 19 नहीं दिखाई दे रहा? दरअसल देखे अलवीना, इस कॉम का सबसे बड़ा अलमिया ये बसें भर भर के गरीबों की गुर्बत से फायदा उठा के चीने वाले नान खिलाकर, बिरयानी की प्लेटें खिलाकर, लोगों को मिस गाइड कर उनको खरीद कर ये लोग लेकर आते हैं। एवरी वन नोज, अब देखे वो दौर नहीं रहा पुराना वाला, जो ये मजबूर है लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाते हैं, उनकी गुर्बत से फायदा उठाते हैं, उनको लेकर आते हैं। तो क्या आप भी इंडोर्स करें ऑपोजिशन जमातों के स्टांस को? वो तो एक तरफ कह रही लॉकडाउन लगाओ दोबारा से, यानी फिर तबाही बर्बादी की तरफ लेकर जाओ मुल्क को। नहीं देखें, हमारा जो स्टांस था पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया है। हमने तबाही बर्बादी तब होती जब एक शख्स भी मर जाए। हम ये कहते हैं हर काम में एहतियात हो। एक कंपेन चल रही, अगर गवर्नमेंट इस पर पाबंदी लगा देती तो बोलते नहीं जी इन्होंने पहले से रिजाइन कर ली। अब जब कर रहे नहीं, लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस ऐसा होता है जैफा कि ये इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं और पीपल्स पार्टी आके फिर शोर मचाना शुरू कर देती है लॉकडाउन का, कि सेकंड वेव आ गई है, लॉकडाउन की तरफ जाएं, स्कूल्स को वो बंद कर रहे हैं, तो फिर इस सिचुएशन में फिर क्या ये मुनाफ़त नहीं होगी? पहले इलेक्शंस हो गए, सब कुछ हो गया और फिर आगे फिर लॉकडाउन का शोर? देखें अपना फेस चेंज उनको चाहिए होगी ना। अच्छा, सेविंग के लिए सारा काम करते हैं और क्या होता है? अच्छा, हमेशा फेस सेविंग के लिए सारा काम हुआ है। इमरान खान हमारी तो गवर्नमेंट ने हमेशा पॉलिसी की है कि लॉकडाउन भी नॉर्मल रखें, रीजनेबल रखें, जिसमें आम मजदूर आदमी भी सर्वाइव कर सके। लेकिन अपने बहाने हैं, अपने फेस सेविंग है, इनके उसको सारी आवाम की दिल बदान से सारी आवाम का अपना ध्यान करप्शन से हटाना चाह रहे हैं। मेन इशू सिर्फ यही है और कुछ भी नहीं है। ये रोएंगे, चार माह कबल वजीर आजम इमरान खान साहब ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की बात की, उस वक्त उनकी मुखालफत की गई और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है, आपको एक्यूज करती है कि आप सिर्फ बोलते हैं सूबा होना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं? आपकी तो हुकूमत है, आप ये कैसे बोल रहे हैं कि सूबा होना चाहिए, सूबा बनाएं? हालांकि वो कह रहे हैं कि जब हम हुकूमत में आएंगे हम बनवा देंगे आपको सूबा। तो आप मुझे एक बात बताइए ना अलवीना, ये शुक्र है आप जिसे होश बैठे हैं, जो लोगों को कम अज कम अवेयरनेस दे रहे हैं कि जो काम आप करो वो ठीक है, जो काम हम करें वो गलत है। ये लॉलीपॉप देने को बोलो बंद करें, जो काम अच्छा होगा इंशाल्लाह गवर्नमेंट के अंदर होगा और सबको नजर आएगा, जो भी इस मुल्क की बेहतरी होगी। थोड़ा सा टाइम चाहिए और ये सारे मामला इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। ठीक है ज़ैफा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। जी अख्तर रानी साहब, इसका रिबटल देना चाहेंगे आप? देखिए उज़ैफ़ा साहब ने फैक्चुअल बातें की हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो फिर उसी टॉपिक पे आ जाऊंगा जो थोड़ी देर पहले आप बात कर रही थी। बहरहाल किसी भी सूरत में स्कूल लास्ट ऑप्शन होना चाहिए टोटल लॉकडाउन का, अदरवाइज स्मार्ट लॉकडाउन के लिए हम एग्री। वैसे मैं वहीं से बढ़ाऊंगी आपकी बात से, जो आप मोर्टेलिटी रेट का बता रहे हैं 0 point something, मतलब 1% भी नहीं है, तो व्हाट डज इट मेक सेंस कि आप पॉलिटिकल गैदरिंग्स करें, इवेंट्स करें, स्कूल्स बंद कर दें, एग्जाम्स जो हैं पोस्टपोन कर दें? ये तो मतलब, और इकोनॉमिक सिचुएशन को देखें, दुकानें बंद, आपकी पूरी होटल्स तबाही बर्बादी की तरफ चले गए, जो हमारी ऑनलाइन कार सर्विसेज थी वो बिजनेस, तो आप देख रहे हैं कितना गर्क होके रह गया उसके बाद से। बिल्कुल आवाम भूख मरे या तालीम, बिल्कुल तालीम का बेड़ा गर्क हो जाए, इससे सियासतदानों को कोई गर्ज नहीं है। मसला ये है कि आप गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग की जो वेबसाइट है उस पर आप जाएं, उसमें कितने टेस्ट हो रहे हैं उसकी परसेंटेज निकाल के ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कुछ और बता रहा होगा। टेस्ट जब ज़्यादा करेंगे तो हल्का सा नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ जो है पॉजिटिव ज़्यादा आएगा, मगर परसेंटेज देखेंगे परसेंटेज वही है। बात ये